हमारी इस फिल्म पंचलेट के प्रीमियर में आप सबों को पता होगा ये पंचलेट जो है ये श्री फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक रचना पर आधारित हमारी फिल्म है और एक बड़ी साफ सुथरी और एक अच्छी फिल्म हमने बनाई है और हम आशा करते हैं पब्लिक को पसंद आएगी हमारी ये फिल्म। मैंने मुनरी का किरदार किया है इस मूवी में। बहुत नर्वस हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और यू सर्टिफिकेट मिला है। आपके आंसर देना चाहती हूँ आपको कि बहुत सालों के बाद इंसान ने किसी को यू सर्टिफिकेट मिला है, नॉर्मली यू ही मिलता है, तो ये इसका पूरा क्रेडिट जाता है प्रेम सर को जो हमारे डायरेक्टर हैं। और बहुत दिनों के बाद ऐसे मूवी देखने को मिलेगा जो इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई है, मिट्टी से जुड़ी हुई है। बहुत बहुत बधाई, फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है। आज के दौर में बहुत कम होता है यू सर्टिफिकेट मिलना, क्या कहेंगे आप? बड़ी मज़ेदार फिल्म है, 1950 के दशक की एक फिल्म है। जिस वक्त आवारा फिल्म रिलीज़ हुई है उस वक्त के दौर की फिल्म है। हम बहुत बहुत एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेके। हरियाणा के एक शहर करनाल में इस फिल्म के 10 हाउसफुल शोज हो चुके हैं, 10। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, सब स्कूल्स उस फिल्म को दिखाने लेके जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ बाकी सब लोग भी जो इस बात को सुन रहे हैं स्कूल को फिल्म को देखने लेके पहुँचें, क्योंकि वहाँ करनाल में पत्रकारों ने जिम्मेदारी ली, उन्होंने फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी ये पढ़ी थी और उन्होंने कहा हम ये कहानी दिखा के मानेंगे। सो मेरे इस देश की पत्रकारों से, मीडिया वालों से ये अनुरोध है कि इस कहानी को आगे आगे पहुंचाएं ताकि और लोग इस फिल्म को देखने आएं। फिल्म की कहानी मैं आपको बताता हूँ, 1950 के दशक की बात है। एक गाँव है जहाँ 8 पंचायत हैं, 8 पंचायत में 7 पंचायतों के पास ये पेट्रोमैक्स ये जो पंचलेट है वो है और एक के पास नहीं है। अब एक पंचायत ये पंचलेट लेकर आता है लेकिन कोई इसको जलाना नहीं जानता है, जलाना केवल एक आदमी जानता है, गोधन, जिसका रोल मैं कर रहा हूँ। और उसको गांव से बिरादरी बाहर किया गया है, जात बाहर किया गया है, अब उसको वापस बुलाना पड़ता है। तो इस बारे में ये मीठी सी खूबसूरत सी कहानी है, प्रेम मोदी जी ने कहानी डायरेक्ट किया है, बड़ा मजा हम लोगों ने साथ में इस कहानी को बनाते हुए किया। ये कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी है जो साहित्य पर है और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा इस फिल्म को आप देखें, इस फिल्म को देखें कि इससे पता चलेगा कि हमारा साहित्य क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा देश कितना विशाल देश है, कितने कलर्स हैं। इंसान छोटी छोटी गलतियों को अगर दिल पर न लें और गले लगा लें तो जीवन बहुत प्रेम से कट सकता है। और ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे अपने देश में इतने साहित्य हैं, हर भाषा में है इतने साहित्य हैं कि हम अपने देश के साहित्य पर फिल्म बनाए तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। अपनी कहानियां कहने की कोशिश हो, अभी मैंने एक फिल्म लिखी थी हिंदी मीडियम, उसके डायलॉग्स मैंने लिखे थे, उसमें भी मैंने यही कहने की कोशिश की थी कि हम अपनी जमीन को समझें, अपनी बात को समझें और इतना उस देश को मजा आया इसका मतलब है कि देश अपनी कहानियां देखना चाहता है। अभी न्यूटन एक फिल्म आई थी जो इस देश ने बहुत पसंद की, उसमें अंजलि पाटिल का एक डायलॉग है कि इस शहर में रहते हुए जरा से बगल गांव में, बगल वाले गांव में एक नया देश बसता है और बदकिस्मती है कि आप उस देश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सो ये उसी देश की कहानी है जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हैं, वहीं ऐसी एक जगह पे जाके हमने शूट की है और हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म का बज़ नहीं है, बज़ नहीं है, बम्बई से बज़ नहीं है। एक छोटे शहर में इसके 10 हाउसफुल शोज हो चुके हैं और बम्बई से हमको सब लोग ये कह रहे हैं कि यार आपकी फिल्म गर्म नहीं है, फिल्म का बज़ नहीं है। सो मीडिया वाले सारे दोस्तों से और जो लोग सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता फिल्म का बज़ कैसे बनाया जाता है, हमें ये पता था सिनेमा कैसे बना सकते हैं, कहानी कैसे कह सकते हैं। बस बनाने के लिए हमारे पास कोई बड़ी कहानी नहीं है, हमारे पास एक सिनेमा की बड़ी खूबसूरत कहानी है, आप सब जाएं और देखें, हमें बड़ी खुशी होगी। मैं इसको सीधा सीधा लगान से कंपेयर करूंगा क्योंकि लगान जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस इसमें रहा है। हाँ, वैसे इसमें आमिर खान नहीं है, इसमें हमारे नए आमितोष हैं और दोनों ए हैं, लेकिन अगर कोई जन्म कुंडली से चलती हो तो अभी तो देखो न्यूटन और बहुत सारी फिल्में ऐसी आ चुकी हैं जो बिना स्टार के भी अच्छे से हिट हुई हैं और लोगों ने पसंद की हैं। जो जो कंटेंट बेस्ड फिल्में आजकल आ रही हैं उसको अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, अगर वो सेंसिबल फिल्म है और डेप्थ के साथ बनाई गई है, सोच के साथ बनाई गई है तो, और मुझे लगता है दर्शक हैं उसके। हमारी फिल्म बनाते नहीं हैं हम, दर्शक तो बहुत हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन दर्शकों का हम द ग्रेट ग्रैंड मस्ती देंगे तो फिर वो वही देखेंगे, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ ऐसा दें। मुझे नहीं लगता कि पंचलेट जैसी पीरियड को एग्जैक्ट डेप्थ के साथ दिखाती हुई कोई फिल्म आप पिछले कई टाइम से बनी है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक मदर इंडिया टाइम पे के टाइम पे बनती थी कुछ, तो मुझे याद है कुछ फिल्में, लेकिन उसके बाद से अभी तक ना तो लिटरेचर के ऊपर बहुत ज्यादा फिल्में बनी है, ये कौन सी थी, लुटेरा बनी थी एक द लास्ट लीफ पे, और गिनी चुनी हाथ पे है। तो मुझे लगता है कि हमारे
एक हिंदुस्तान के एक ऐसे राइटर की कहानी जो प्रेमचंद के समकक्ष है। प्रेमचंद और हरिवंश राय बच्चन हमारे, मुक्ति बोध हमारे, हरिशंकर परसाई, कितने ऐसे ऐसे जो राइटर हैं वो ऐसे उनके समकक्ष हैं फणीश्वरनाथ रेणु, जिनकी तीसरी कसम फिल्म आई थी 51 साल पहले जो राज कपूर ने की, बासु चटर्जी ने डायरेक्ट की, कुदरती उस वक्त भी बंगाली डायरेक्टर थे, अभी भी बंगाल के ही डायरेक्टर हैं हमारे प्रेम मोदी।